कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ढाका मोबाइल गैलरी एंड डीजे साउंड। अब आसान किस्तों पर पाइए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आज ही विजिट कीजिए ढाका मोबाइल गैलरी एंड डीजे साउंड, मुख्य बस स्टैंड सिद्धमुख, उम्बना वेल्डिंग वर्कशॉप। अब यहाँ पर मिलेगा मूंग साफ करने की मशीन, आधुनिक दरवाजे, जाली जंगले, चौकट, ग्रिल, रेलिंग आदि। तो आज ही विजिट करिए उम्बना मंदिर के पास, हसियावास रोड, ढिगारला। छाती पर चढ़कर सच बोलने की आदत हमारी, हम किसी हुकूमत की दलाली नहीं करते। नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज कारी गांव ग्राम पंचायत में कांदरा गांव में आप पहुंचा और आठा के लोग गाँव, आठा के ग्रामीण, आठा के विकास कार्यों के बारे में चर्चा करांगा कि आने आजादी के बाद में गाँव ने के मिलो, क्योंकि 5 साल की बात भी आप करांगा और 15 साल की बात करांगा। अब बात करांगा बीजेपी के कार्यकाल की, अब बात करांगा बसपा कार्यकाल की और अब बात करांगा कांग्रेस के कार्यकाल की। शुरुआत करांगा 5 साल के एवं और फिर जाऊंगा लास्ट तक और थाने में गांव की एक और विकास प्रक्रिया दिखा दे थोड़ी घूम के, फिर गांव वाला जानने का प्रयास करांगे कि गांव की हालात क्या है। कैमरा मैन बोलूंगा और चारों तरफ घुमा के दिखा दे गलियां की हालात क्या है कि आज भी ये गलियां देखो कच्ची, किस तरह देख सको थे कच्ची हालात में पड़ी है। और गांव वाला पूछांगा कद नेता ने तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश करी या कौन करी। लोग हैं मेरे पास में, राम राम जी, आपको शुभ नाम के जी? रमेश कुमार। रमेश जी, आज गांव पहुंचा और थोड़े विकास कार्य बारे में मैंने पूछना है, थारे गांव में पानी की व्यवस्था क्या है और सड़क गांव की गलियां की व्यवस्था क्या है? टूटी देख ले कहने आई और गांव में गलियां की व्यवस्था या कौन सी रोड? सामने ये बैल और पिलानी रोड जोड़े। अच्छा, बैल और पिलानी और रोड। ये सेकेंडरी स्कूल है दो। अच्छा, दो बच्चा जाने जगह को नहीं, बच्चा जाने जगह को नहीं। और लोग है, मैं चर्चा करांगा, कैमरा मैन लोग थोड़ी गाड़ी आप आगे आजा थोड़ा सा और मैं जानने का प्रयास करांगा कि आठा की व्यवस्था है बा किसी का है गांव में पानी की, बिजली की क्या लागत था ना, बिजली किसी की व्यवस्था गांव में? बिजली भाई, बिजली तो कुएं छोड़ दी है, कुएं कौन छोड़न बची है। अच्छा, यह प्रॉब्लम कब हुआ है, शिकायत कब हुआ है, कितना दिन हो गया? ये 12 4 साल हो गए, 17 चल रहा है। 17 साल है के लगा है थाने 5 साल के अंदर विकास करिए किसा का थरगा में? भाई विकास मारगा में तो कोई नहीं। अच्छा, मारगा में तो बची हो इजा 17 चल रहे ना, कोई पूरा बंदा कोई कोई सरडक कोई की में कोई, कोई सरपंच भी काम कौन कराएगी ना? कौन कराए सरपंच? कौन सा गांव का है? कालरी। कालरी का है। अच्छा, और है वही बातचीत करा हूँ सरपंच में देखे को नहीं, चलो अन और पूछांगा के कौन देखे आज और मुगल थोड़ा सा बताओ माने के का थे ये बताओ। ये मारिया गली यार देख ले हालत है, बारिश आओ तो लिकड़े को। अच्छा, मैं रास्तो यो हां तो कोई कड़ा सारा गम मत फिर के आओ। अच्छा, यही हालत है? यही हालत। और गांव में जितना कई गांव में इंटरलॉक लगा रखा है, तार गांव में भी इसी कोई सुविधा है कोई नहीं भाई? कड़ा कोई नहीं, जाम घूम के देखा हो जाए। इंटरलॉक की बंजड़ी है रोड। अच्छा अच्छा, ये बता कागजाम बंजड़िया रोड, एक दिन एक ट्रोली आड़ा खाली करके गया। अच्छा, भाई एक ट्रोली गई भाई, ठाकी कौन लेगा फिर? ठाकी करेगा दमकी वाले कचरे में। अच्छा, दमकी। हाँ, यो एक नाव है उड़े का आगे तनी और इंटरलॉक रोड भी पास है। अच्छा, थाने में नालो दिखा दो एक बार, क्योंकि गांव वाला कहना है कि आड़ा नालो है। अगर कैमरा मैन बोलूंगा मेरे पीछे अगर दिखावे नालो दिखाने का प्रयास करे खड़ी तन दिखते हो तो, और जो लोग कमेंट करेगा मैं देख ले नालो एक बार, क्योंकि लोगों को आरोप है सीधो सीधो गांव वाला को कि आड़ा नालो हो और आड़ा इंटरलॉक की सड़क भी कागज का माया है। और मैं भी अब जानने का प्रयास करांगा और लोग अपना सगे बंगो के पानी की बात मैं करूँ थारू, तो पानी की व्यवस्था थारे गाँव में किसी के फिलहाल? 4 साल तो इसी है देख लो, शामी जो पानी को मैं नल आ रहा है और ये रोड जोड़ा दोनों पिलानी और बहले ये रोड है कांग्रेस के राज में। अच्छा, ये गंदगी आड़ बच्चा भी को निकल सके बारिश में तो टप। लेकिन मैं न्यूज सुनने में आई है कि एक अपने राजस्थान में कोनी 28 राज्य के अंदर एक जल जीवन मिशन योजना चल रही है, मैं हर घर तक नल पहुंचाने की और जल पहुंचाने का प्रयास है वो राजस्थान सरकार और भारत सरकार को दोनों को मिलके है, तो थाने के लागे है उरे बा आई कोनी अभी तक? मैं ये गली पक्की थी, ये पहाड़ की दी गेर, आधा पाइप गाड़ दिया, आधा पड़ा है, कोई व्यवस्था को नहीं। थाने कल सांसद महोदय को थे वीडियो मेरे सागे इंटरव्यू देखे होगा, मैं जिक्र यो करियो है कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हो रहा है, हम गांव की गलियां हैं जो बंधाई गई सरकार के द्वारा वे पाड़ के गिरती हैं, वे गांव को वे गलियां को विकास हालांकि कुण करे कोई भी बड़े खड़े खड़े ये कहना की सरपंच ने वे चीज के लिए बाध्य में करांगा सरपंच करे को, लेकिन आगो सीधो सीधो रहा है गलियां जो पाड़ के गिरती वे आज भी वही हालात में पड़ी है, जय हालात में वे छोड़ के गया ये कहने और पूछा प्रयास करांगा थारे गाँव में और क्या समस्या मुख्य रूप है? गांव में पानी के लिए आप देख सकते हो महिलाएं कितनी दूर से पानी ले जा रही हैं, हमारे गांव में पीने का जो पानी है वो बिल्कुल भी कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, जबकि जो पानी की सप्लाई है वो हरपालू से गागड़वास के लिए सुचारू रूप से हो रही है, बाकी आगे पानी नहीं आ रहा है। और जो पानी की टंकी आपने गांव में एंट्री की थी वहां भी देखा होगा, उसको रोक दिया गया है। पीछे विधायक जी का प्रोग्राम भी हुआ था, उन्होंने यही कहा था कि मेरे को दोबारा वोट दे के
और फिर विजयी बनाए, अगली सरकार में फिर ये काम करवाओगे। कम से कम उस समय 5 या 6 महीने विधायक जी के बचे हुए थे, तो उन्होंने ये पानी की टंकी है जो आप देख रहे हैं, पाइप है ये जो पड़े हुए हैं गलियों में जी, आधी गलियों में तो इनको अंडरग्राउंड कर दिया गया, आधी ओपन है, इससे आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है। और ये जो चौक है गांव का, अब तो थोड़ी सी बारिश नहीं हो रखी है, मेन चौक है, यहाँ से कम 15 या 20 गांव जुड़ते हैं, उधर बैल रोड है, इधर पिलानी रोड है, और यहाँ हमेशा गंदा पानी रहता है। लोग आने जाने वाले कमेंट भी करते हैं हंसी मजाक की, आपके गाँव में विधायक जी ने या कांग्रेस सरकार ने इतना विकास करवा दिया, तो मुंह छुपाना पड़ता है। तो गंदे पानी के लिए ये स्कूल है हमारा, यहाँ सेकेंडरी तक है, सीनियर सेकेंडरी तक है, वहाँ जाने के लिए बच्चों को भी बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, पीने का पानी भी सुचारू रूप से नहीं आ रहा है, बिजली बता रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री कर दिए। इससे अच्छा तो गहलोत जी से मैं ये समाचार संदेश बचाना चाहूंगा कि केरोसिन वापिस दे दे, हम तो लालटेन है या दीपक है वही जला लेंगे, क्योंकि ट्रिप है वो आए दिन चलती रहती है, लाइट बिल्कुल भी कम आती है फ्री के नाम पे, और ये मोबाइल वगैरह भी देते हैं बता रखे। इससे अच्छा अगर गरीबों को शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे विकास होना चाहिए था। जल मिशन के लिए भी पानी की जो टंकी है वो अधूरी रुकी हुई है, दोबारा एक तरफा वोट लेने के लिए विधायक जी को बुलाया भी गया था, यहाँ प्रोग्राम भी करवाया था, कम से कम गाँव वालों ने 1.5 लाख रुपया लगाया था, हलवा खिलाया था, टेंट का जो खर्चा है वो वहन किया था। अगर इतने रुपये में यहाँ इंटरलॉक वगैरह भी लगवा लेते तो शायद ये गंदे पानी की जो निकासी है वो सुचारू रूप से हो पाती। मेरा यही कहना है कि पानी के लिए गांव है वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को दोबारा विधायक बनाइए, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जनता से अपील करता हूँ कि इसे अपने को पानी नहीं मिलता है तो जनता भी इनको पानी पिलाने का काम करेगी। कोई समस्या लेके जाते हैं पूछते हैं तो विधायक जी कहाँ है, तो बोलते हैं कि अंदर है, या विधायक जी कहाँ है बोलो कि ऊपर है। तो मेरे हिसाब से ये जैसे ही आचार संहिता लगेगी, जेड सुरक्षा हटेगी, तो ये काम भी उनका निश्चित पूरा हो जाएगा, या तो अंदर मिलेंगे या ऊपर मिलेंगे। लगातार आप है बिजली के बारे में आप आवाज उठाता रहे, सरकार कहने तक आप अपनी आवाज है वह बेबाकी पहुंचाता रहे कि ये क्षेत्र के अंदर जो पिछले 1 महीने के अंदर जो अघोषित बिजली कटौती हुई है, क्योंकि किसान पूरे दिन काम लगे रहे खेत में, थाने पे तो 45 को टाइम है, पूरे दिन खेत का काम करे वो, और शाम का जब वो खानो खा के सोवे तो वो 8 घंटा की नींद है वह पूरी करना चाहे, कोई फराटे के पंखे नीचे, कोई सीलिंग फैन के नीचे, कोई कूलर का गए, लेकिन जब वो सोने को टाइम हो किसान को जब बिजली है वह गुल हो जाए, अंधेरो है वो राजगढ़ के अंदर कायम रह जाए। और लोग है बहु पूछने को प्रयास करांगा, एक लिए 5 साल के बारे में को नहीं, अब 15 साल के बारे में पूछांगा कि थे योजना देखी पहले कमला जी की 2008 में, 2000 अनपढ़ आदमी मैंने ध्यान को नहीं, मेरे दिमाग थोड़ा अच्छा, और हम पूछने को प्रयास करांगा, अब युवा है बहु थे कमला जी को कार्यकाल देखो, थे मनोज जी को कार्यकाल देखो, थे देखो कृष्णा जी को, क्योंकि जो अभी पूरा होने के कगार के ऊपर एकदम लास्ट में है, थाने सबसे अच्छा कार्यकाल कहो लागो? सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से को भी नहीं है, सब अपना पेट भरते हैं। अच्छा, थारे गांव में 15 साल की मैं बात करूं पिछली, क्योंकि अलग अलग पार्टी का नेता बना, कने काम कौन कराए, कने काम कौन कराए, यार तो तीनों पार्टियां ने वोट दे ही देख लिया, यह हालत है गांव की, पानी भी कौन मिले, बिजली भी कौन मिले, रास्तों भी। तो अब की बार थाने के लागे गांव को के रुख रहे गो, नेता जब गाँव में आऊंगा तो के सवाल थे करोगा भाव, पहले काम कराओ बाद में, कहेगा आचार संहिता लागी तुम्हारे हाथ में ही कोनी, हाथ में ना तो नोटा पर वोट गिर दिया कोई और ऑप्शन है तारकन, क्योंकि नेता तो बहुत उठेगा उ हाँ, नोटा का ऑप्शन रहे हो लास्ट। अच्छा, नोटा का ऑप्शन है, और लोग हैं और युवा हैं साथी हैं, उन्हें बहुत जानने को प्रयास करांगा कि युवा के लिए अन सरकार के करे हो गाँव में, और पहले तो मेरे साथ ग्रामीण है बुजुर्ग है बहुत पूछांगा, थाने के लागे थे तीनों कार्यकाल देखे सबसे अच्छो कार्यकाल कहो रहे हो, कहो कौन रहे हो, थाने सारा यात्रा झूठा जासा दिया बिल्कुल एकदम झूठा, अब गैलरी भरे तीनों नेता आया थारा गांव में के वादा कौन सा करके गया, कई तो बहुत बड़ा बड़ा वादा करे, कई गांव देखो थारा के करियो, कोई बता दो एक आदो ताकि देखे है, सारा नेता देखे मेरा चैनल है, सीसी रोड है। अच्छा, और यहाँ तक की ब्रॉडगेज रोड भी करने की बात कर गई, अच्छा घर घर टूटी, पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ना, अच्छा मोदी बाबू पंचायत हेडक्वार्टर बताओ, रोड नहीं जुड़ा अभी तक। अच्छा, कैलरी थारी ग्राम पंचायत है और थारो गाँव है कांदरण, रस्तो है कच्चो, रस्तो है कच्चो, क्या साधन एक ही कौन सा, हाँ आगे साधना,
बाद में एमपी बने। देखो मैं सारी चीज देख ली तारे गाँव में, अभी बताइए जो आठ है, क्योंकि दूसरे चौक में भी आप चलांगा, क्योंकि आठ है एक पार्टी का लोग उसके व्यक्ति विशेष का लोग उसके, अब दूसरे चौक में चला भटे भी प्रयास पूछना करूंगा, लेकिन आठ में पहला अब की बार जो नेता होगा तो कैमरे करियो सबका होगा। अच्छा आज नहीं तो कल होगा, श्याम सुंदर का गढ़वास। हाँ हाँ, नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा बीजेपी वाली बात करो, अभी मैं थे आप विवादी, क्योंकि बीजेपी वाली टिकट अब की बार खलबली मात्र ये बोल रहे हम लेके आएंगे श्याम सुंदर का गढ़वास। हाँ, अगर श्याम सुंदर का गढ़वास बीजेपी की टिकट लिया तो वोट मिल जा, वोट मिलेगा, जीत जा, नया चेहरा है। अच्छा देख तो पुरानी कौन मिलेगा, नहीं पुरानी माहौल लगेगा। मैं अब की बार देखो कि मतलब ये मनोज न्यांगड़ी है, ये साफ स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि कृष्णा ने तो क्या है कि लोगों को जाति के नाम पे धर्म के नाम पे लड़ाने का एक बात का तुम है। देखो मनोज न्यांगड़ी को माहौल लगा है, तो मनोज न्यांगड़ी तेरे गाँव में कार्यकाल में क्या काम कराये? मनोज न्यांगड़ी के पीछे जो थे बिजली लगवाना, पोल लगवाना या फिर इंटरलॉक लगवाना, और जो भी उनसे मदद हुई करने की, जबकि हालांकि उनकी सरकार नहीं थी, वो बसपा पार्टी थी, फिर भी हमारे गांव में उन्होंने अच्छा विकास करवाया है। अच्छा, जबकि कांग्रेस का भी शासन रह चुका है और कांग्रेस तो विकास के नाम पे आपको पता ही है, और मेरे को तो ये लग रहा है कि कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जयपुर में मीटिंग हुई थी, वहां पे मैं भी गया था, तो कृष्णा की टिकट है वो कट चुकी है, ठीक है, उसके बदले में किसी और को टिकट है। लेकिन भास्कर के सर्वे में तो 48% जनता न्यू के टिकट तो पुरानिया ने मिलना चाहिए भाई जी, टिकट मिलेगी तो चेप्पांगा चेप्पो पार्टी बना रहा है। कांग्रेस की टिकट कैसे मिल सके? कांग्रेस की टिकट कह नहीं मिलो, चेप्पांगा सीधी सी बात है। दावेदारी कर रहे हैं क्या लगे था ना किसको? कुलदीप पुनिया है, अमीरवास का है। हाँ बिल्कुल, कुलदीप पुनिया मिलेगी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस ने अपने राज्य में अच्छा काम नहीं किया भाई, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे करवाना। दूसरा हमारे गांव में एक फर्जी जो विजिलेंस टीम है वीडियो कॉल से चलती है, आज इस घर में छापा लगाना, आज उस घर में, फिर बाद में बोलते हैं कि विधायक जी के पास जाओ, वीसीआर है वो आपकी पढ़वा देंगे। ये नकली वोट बनाने का काम, केस मुकदमा करवाने का काम, ये विकास और विकास के नाम पे यहाँ सकुल में 10 फुटबॉल की घोषणा की है भाई साहब, 10 फुटबॉल कितने होते हैं जानते हो? विकास है वह भी अभी तक नहीं दिए हैं बच्चों को, खिलाड़ियों को। मैं तो ये कहता हूँ कि 10-10 रुपये इकट्ठा करके और बच्चों को हम दे देंगे। एक बार कुछ युवा है, क्योंकि देखो मैं तेरे बता रहा हूँ, जो जो नेता की बड़ाई करेगा चाहे गांव में, वह गांव में वह नेता के ऊपर काउंटर सवाल अपना करे जाएगा। चाहे मनोज न्यांगड़ी की बड़ाई करो, चाहे कृष्णा पुनिया जी की करो, चाहे कमला जी की करो, बड़ाई करेगा काउंटर सवाल अपना करा थारे गांव में क्या कराए। अगर वह सवाल नहीं करा तो फिर अपनी पत्रकारिता पर लानत है, क्योंकि आठों जानने का प्रयास करांगा क्या लगा अब की बार गाँव में क्या माहौल है। माहौल वो तो टेम बताओ कोई बाकी मैं माहौल को नहीं, कृष्णा का न्यू दो चार आदमी ने बोले बोलिए कृष्णा का मकान बनवा दिया, हमारे गांव का रुपया देगी जिस स्कूल का मकान बने ही जाई देख लो, गांव का चंदा करे, गांव को चंदा देगी। और न्यू कौन बोले कृष्णा जी बनाई उनका जो पीओ ही दो चार बैंक खरीद दिन पहले वो। अच्छा, और बोले क्या कृष्णा बोले ये मकान बनवाए, कृष्णा के सारे कौन गई मार गांव के रुपया का मंडा हिर चंदन लिख रहा कहीं देख लियो आगे किसी गाड़ में जाई देख लियो, एक गाड़ में भी कड़े ईट लगी उठी पा जाने हमारे गांव में तो मैं टांग तड़ाई लिख जाऊं देख लो दावा है ये। और कांदराना थारू दूर कोनी, थारा हेडक्वार्टर 10 किलोमीटर दूर है, मैं सारा तीनों नेता ने और ये तीनों नेता ही बात कर रहे हैं तो मैं सारा तीनों नेता ने कहने लग रहे हूँ 10 किलोमीटर दूर है थारी है गाड़ियां माता थाने ज्यादा टाइम को लगे थे 7-8 मिनट में पहुंच जाओगे अगर रेलवे फाटक बंद नहीं हो तो, और रेलवे फाटक बंद हो तो अलग बात है नहीं तो 7 मिनट में आठ पहुंच गए, मैं बाइक पे 15 मिनट में आ गया तो थारगन तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी 20-20, 40-40 लाख की थे आराम में पहुंच सको और हालात देखने का प्रयास करो कि ये गाँव का किसान है आगो के बुरो करे थाने वोट दिया विधानसभा में भेजने का प्रयास करो आना थाने और वह आदमी आज पानी के लिए दर दर भटक रहे मगर पानी को नहीं पीने वह रात ने सोए तो लाइट को नहीं मैं चिकित्सा सुविधा की बात करूँ चिकित्सा सुविधा क्या है उस दिवाली यार योगी को चाहते हैं योगी जी तो योगी जी तो नहीं आवे लेकिन तभी सुधार स्कूल कितना तक गाँव में 12 तक स्वास्थ्य की बात करूं तो उस दिवाला वगैरह है कुछ है। अच्छा डॉक्टर वगैरह टाइम पर डॉक्टर नहीं नर्स है। अच्छा भाई आवे टाइम पे गांव की है गांव की। अभी मैं दूसरे चौक में जान लग रहे हो तो एक ताई जी अपन मिल गई, ताई जी पूछूंगा पानी खटू लेके आया कितनी दूर लेके आया पानी? हाँ मैं तो इन्हें दूर तो ले हूँ तर घर किसी कितनी दूर पड़ा मारते घर इन्हें पड़े से पलवर में तो पानी की यह समस्या है अतरा थे घड़ा से क्या कितना साल हो गया था उन तो बड़ी सालों की लिया दी पानी घर आवाई को नहीं हाँ को नहीं आवा तो नेता ने के कहना चाहोगा नेता कह मैं तो बोले पानी घर घर पहुंचाए हुए पहुंचाया था तो मेरे पानी तो कोई नहीं कोड़ो को पानी को पाओ ना
कोई नहीं पानी? हाँ कोई नहीं। अच्छा ये कितना घड़ा पाती आ जाए दूर लिया होते थे? दूर लिया दो पांच घड़ा आ जाए तो क्या गति होगी? पांच घड़ा कितने देखो थे देख सको साहब साहब बड़ो परिवार रहे घर में थाने पतो है लेकिन थाने बोझ को लागतो को थे चला जाओ मैं बात कर लूंगा बड़ो परिवार गांव थाने पतो रहे और बड़े पांच घड़ा ये कहे मारे पाती आवे तो पांच घड़ा में कितनों के गुजारो उसके थे देख सको क्योंकि मैं आदमी नाणो भी हुआ है बंग अंदर पीणो भी हुआ है थाने पे तो कितनी खपत पानी की है लाग रही है अन पूछांगा थाने के लगा पानी पुणी आवे गम है चार दिन तो एक दिन आवे चार दिन तो एक दिन आवे हाँ तो कड़े दे टूटिया तो लाग रही है गम है लाग रही से पानी कौन देना घर घर नल को पूछा है बतावे सरकार वो घर घर वालों कौन पूछ रहे हो कौन पूछ रहे हो हर बार टंकिया दमा पड़ी अच्छा दमा पड़ी है तो पानी तो गेलड़ी पर नेता है जो कह गया बोले घर घर पानी पूछाऊंगा कोई नेता कोई काम कौन कर रहा गांव में तो ये क्या गांव में आवेगा सारा वोट मांगने तो क्या कहोगा क्या कहूंगा कि मैं कौन कहा कि मैं चला जाऊंगा चला जाऊंगा और क्या करा तो जीतने खतरा होगा वोट मांगने खतरा होगा तो वो तो वोट लेने खतरे बनाऊ कौन कदे भी जवाब तो देगा जवाब तो दिया कहनी पड़ी जाने पड़ती तो और क्या करा तो अच्छा मारा नाम का सारा एक सास कणी काम कौन करायो कणी काम कौन करायो दर्द है वो गांव को थे देख सको 15 साल में की कौन कर रखियो देख सको थे ये भी देखो बुजुर्ग है अपने सके ताई जी है पण बतायो कि गांव में बड़ी समस्या है पानी की लाइट लूट की शिकावे रात ने लाइट ही तो 15 दिन तो बहुत दुखी है बहुत दुखी रहो और ई तो रात ने तो पूरी रात आ जा है दिन में कदे आ जा कदे काट ले बहुत कटौती होती होगी ता छोटा छोटा बरे बहुत परेशान रोटी खाओ उस टाइम पर तो देखो रोटी खा बंद परेशान होता हूं टाबर परेशान तो सही से हाँ बात कोई लास्ट भीषण गर्मी का माँ देखो लाइट कटौती हो जाए और कितनी बड़ी समस्या अब आया थे देख सको और आठे कुछ लोग बैठे हैं चौक में थे देख सको बताओ बताओ करो मैं सारा नेता वीडियो देखे थे बता दो बोल के हाँ। सारा देखे और कोशिश करेंगे करने की अब वोट मांगना आऊंगा जब यो यह बात कहेगा कहाँ क्यों कौन हाँ पानी की बिजली की सारी कहनी है वोट मांगना सारी समस्या से पानी की समस्या से बिजली की समस्या से सड़क सड़क अड़े देख लो तुमने दिखती होगी कोई काम भी कौन कोई काम कौन करवा कोई काम देख सो अपनो अपनो मकसद है वो कहेंगी छवि बा धूमिल करनो कोनी बल्कि जनता के अंदर जागरूकता लानो है कि ये लोग जब वोट मांगना है ये जब नेता जब वोट मांगना है तो वह अपने हक और अधिकारों की आवाज है बाबा के सामने बुलंद कर सके क्योंकि आज स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र एक मजबूती के साथ अपनो मत है वो कहेंगे डाल सके है और वह मत के बदले अगर अन काम मिला है तो जनता के ऊपर थे कोई एहसान कर रखा क्यों क्योंकि जो नेता कुर्सियों के ऊपर बैठे है भाई सोचे है कि आठू आठे अपनो ना अलग कोई को नहीं अपनो अलग की कौन चल रहा है तो मैंने बता दू ताश को पत्तो एक गुम हो जाए तो लोग जोकर ने ठाके बाद से मना ले है तो ये गाँव को काम है वो थाने कराना पड़ेगा जनता वोट जब देगी थाने अब की बार थे गाँव में आओगा तो मैं सारे नेता ना कहना चाहूँ कि गाँव की विकास देखो एक बार कैमरा मैन बोलू थोड़ा घुमा के दिखा दे आज भी ये हालात गांव के हैं कि कच्ची गलियां पड़ी हैं और यो तहसील मुख्यालय विधानसभा जो क्षेत्र है तहसील मुख्यालय है राजगढ़ मैं मात्र 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर यो गांव बस रहा है जो एंग हालात यह है जो 60 किलोमीटर दूर गाँव है मैं हालात से सोच रहा क्यों होगा कुछ अरे दूसरे चौक में आप पहुंचे क्योंकि तने पता है कि एक चौक में आप कवरेजिंग कभी कौन करा और 7 मिनट को वीडियो चुनावी चर्चा को कभी कौन सके गाँव का विकास करिए 7 मिनट में कौन पता चले आप कम से कम आधी घंटे को लगभग 25 से 30 मिनट को वीडियो अपनो बनाया यार मैं ऊपर प्लस में ही जा सका मैं कम कौन रहे क्योंकि अब पूरे गांव की जो लोग हैं भाई चौपाल के अंदर बैठे हैं मैं बातचीत आपा करा तो मैं टाइम लगा एक आदमी 2-3 मिनट समय लग गया लगभग तो आठू चर्चा शुरू करांगा ये गलियां के हालात कितना साल इसलिए बताओ क्या बता दो मार तो ये बैठे ये बताओ वो गलियां हालात खराब है पानी भर गया है कोई रास्तो नहीं आन जान के लिए पीने की पानी की सुविधा को नहीं न्यू गली खराब तो 15 साल की बात करूं तीनों नेता की कड़ी कौन सुनी थारी सुनी को तो नेता जो हो रहा भाई ने सुने से कन काए भी अच्छा के लागे थाने अब की बार है वो गांव में केंगो माहौल है अतरंगी व्यवस्था अतरंगी हालात तो मारे है कोई मनोज कोई शुरू से होयो आ रही भी है कोई माहौल तो मनोज जी थारे इशू के काम करा दियो जो माहौल थारे मारा भाई सदा मिलता जुलता आदमी अच्छा मारा वहां सागर प्रेम भाव है तो गिलड़ी पर आठू टॉप में कौन लिखड़ो केन ज्यादा वोट मिला टॉप में तो बांका ही वोट है पहली भी बसपा भी बांका ही कांग्रेस बीजेपी का अब की बार कुछ युवा है बाहू पूछना प्रयास करना पिछली बार है 2018 के चुनाव में कैन ज्यादा वोट मिला पिछली बार यहाँ कांग्रेस के वोट ज्यादा कांग्रेस का वोट ज्यादा जितना मैं बात करूं कांग्रेस आठू वादा करया सारा ही वादा करके गया अभी कांग्रेस जीत गई तो के वादा पूरा है बिल्कुल नहीं कोई वादे पूरे नहीं उन्होंने बहुत वादे किए थे उन्होंने कहा कि गांव की गलियां पक्की हो जाएंगी पानी घर घर पानी आ जाएगा तो ऐसा कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया जिस वादा करके गए थे अच्छा
और थन के लगा युवा हो, एक युवा के तौर के ऊपर जो सरकार अब की रही है 5 साल में, थन के लगा किसी की रही है युवा के हिसाब से? युवा के हिसाब से तो कुछ खास नहीं रहा। खास कौन रहे जी? अच्छा, थाने लगातार बता दूं पानी की समस्या है बा। जल जीवन मिशन एक जो केंद्र सरकार की है योजना है, मैं पे राज्य सरकार काम कर रही है और आठे का सांसद महोदय राहुल जी कसवा को काल थे साक्षात्कार है अपने चैनल पे देखे होते, बन साफ साफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और 377 की कार्रवाई है। सदन का मां हमेशा आवाज उठाता आया है और अभी बातचीत आप करा कुछ लोग और आठे सा है मेरे पास में थाने के लगा विकास कुण क्रास के थरगा में। देखो जी आगे तो मार तो सलाह मनोज न्यांगली की है। सलाह मनोज न्यांगली की है? क्यों है मनोज न्यांगली की सलाह? क्योंकि पीछे करे और ये भाग्य कर्ष का है। अच्छा, अभी अपनी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा जी पूनिया विधायक हैं, आन गांव में कोई विकास कार्य करे हो या कौन करे हो? के कर्णम भी करे और के किम करे भी को नहीं। कोई करे तो एक आध दो कोई कोई समझ को नहीं मार तो किम करे होगा। अच्छा, और लोग पूछूंगा थाने के लगा है 15 साल को थे कार्यकाल देख के हो, कमला जी को 2008 देखे हो, 2013 मनोज जी को देखे हो, 2018 कृष्णा जी को देखे हो, क्या लगा है कहीं कार्यकाल सबसे अच्छे रहे हो? मनोज नेंगली के कारण मतलब कुछ काम करायो सकूल का 2 गेट दिया ही। अच्छा, आज भी पत्थर ला रहे हैं जाई देख लियो। हाँ, पूरो बनो आगे दियो टोटल सरपंच तो उसने आपका खाता रुपया दिया है 25-30 लाख रुपया काम करवायो गाँव में। आरोप लगा रहे हो कि हमारे गांव में काम को नहीं हो, मैं 2 चौकाम पीछे 1 चौकाम पीछे जाके आया हूँ, तो यह बात हमेशा पास सुनता हुआ कि बिना कहा कोई काम को नहीं वाला की, तो कदी विधायक जी के घर जाके कदी कोई आया जद कही हुआ कृष्णा जी हमारे गांव में काम को नहीं हो, काम देखी को नहीं, देखी को नहीं, क्या प्रोग्राम करे थे स्कूल के अंदर उद्घाटन मकान 12 को स्कूल बने हुआ बुलाई थी सरकार दी है सरकार भी तो आंगी है तो खाता तो कीमत देना चाहिए। अच्छा, विधायक कोटे से कुछ नहीं दिया, कुछ कौन दिया? कुछ नहीं दिया, पानी है देख लो इधर, पानी की समस्या तो मैं देख ली, पानी की समस्या आम है। और लोग है माऊ जानने को प्रयास करांगे, कैमरामैन बोलूंगा अगर सामने आवे और दिखाने को प्रयास करे ताऊ जी अड बैठे हैं, बहु बातचीत करा चर्चा करांगा और बन पूछने को प्रयास करांगा कि अब की बार है गांव में माहौल है वो कैंगो रहेगो, क्योंकि विकास कार्य है बाबा देख चुके हैं और भी जानने को प्रयास करांगा। विकास कार्य हमारे हम थोड़ी चर्चा कर लिया पहला फिर माहौल पूछांगा क्या लगा विकास कार्य हम कितना दिन देख हाँ तो ऊपर तो कोई कर कौन सी गए क्यों गाड़ थी नून मत दरड़ प्या दी है और पानी घुटाऊ दी वहां बंद कर दी हाँ तो फालतू विकास करे भी की बेचारिया बताओ और करे भी किया बताओ हाँ तो बड़ो कार ये क्या कर्ज कैसे है नेता यह बता दो कर्ज कैसे क्या कोई नहीं काम कर हाँ अच्छा अच्छा आ जाओ एक और बड़ा बात करेंगे फिर आऊंगा एक मिनट आपको शुभ नाम क्या? मेरा राजपाल है नाम। आठे का यो आठे का? हाँ आई बताओ थे गागड़वास में पानी चल रहा है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक डेली। अच्छा, और इस गाँव को 4 दिन में 1 घंटा पानी मिलता है। 1 घंटा पानी? 1 घंटा। और लाइट की व्यवस्था है तो बढ़िया? लाइट की तो बुझ जाए ना, दिन में 50 कट उड़ानी जमींदार सा खेती करता आवा ना तो मतलब नहीं समझ ले बिजली दी को रोटी अंधेरे में खानी पड़े से बड़ी मुसीबत है। थाने मैं बार बार से बता तो आया हूँ कि लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, अब की बार गांव में क्या माहौल है? मावला मन ने कौन बेरो चाहिए या जी जियो दोबारा अपने बाकी मैं बताऊं कि तने बात या से किम में को नहीं आवाड़ को बिजली आओ उनको पानी आवा हम तो मरदा मरा भाई या हालात हो रही गाँव की हालात हो रही है तो अब सारा वीडियो देखे नेता कुछ कहना चाहोगा अलग बात और मैं क्या भी कहना चाहूंगा कि मैं मेरो की ट्रांसफर करेगा बाकी न्यू समझ ले तू पानी को नहीं और बिजली को नहीं आवेगा। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑर्डर भी थे बताओ अतरा रह के अधिकारियां है रंदो बस मन ने के लेनो यार मेरे तो रह कोनी मेरे तो ताल में तगुणो कर कौन से कोच हो आ जाओ चाहे चाहे एमपी आओ और चाहे किरसना आओ अपनो तो कर कौन से का ट्रांसफर कोई एमपी साहब की पंचायत है यार इसा एमपी साहब है यार छोटे जान दे क्यों जिक्र करती हो तड़के ही लोग है देखो कितना परेशान हो रहा है ना आज ना बताओ जी बैठा वापस चौक में खड़े खड़े एमपी साहब को के बताया पंचायत कौन सी थे क्या पंचायत एमपी साहब की है। अच्छा, तो कदी एमपी साहब भी उरे कौन ना ध्यान दियो एमपी साहब के ध्यान दे तो जावान उन एमपी साहब ने नु का ध्यान मी को नहीं मारे करवा दिया के हां चाहे आज भरवा लियो भलाई एमपी साहब कने और करण ने। अच्छा, अब की बार गांव में के माहौल है तो जी कहो लागे माहौल पिछली बार ते आडे कृष्णा जी टॉप में रखा अब की बार के लागे कृष्णा जी रहेगा तीसरे नंबर पे आउनी चाहिए मेरे ख्याल तो। अच्छा, तीसरे नंबर पे आओगे तो अब की बार टॉप में खुनाओगे टॉप में दियो आओगे ठाकरे साहब आन काम कराए थर काम है अरे वो गरीब भाई सुन तो ले जाए करना जावा जी तो वो कुछ कार्य किन किमि आगे तो ले जाए तो कृष्णा जी कद गए रहे थे के करा जा किन जंदी शायद आंगन एक बार गया था बोलो बिजली को नहीं हो बोलो मेरकन के इंटर पो खेल बताऊं से
ट्रांसफार्मर यो के लगाया करी छोटो सो बैटरी आलो इन्वर्टर से के अमेरिकन के मैं इन्वर्टर ले रही छु के थाने बात कही मन ने कही तो दूसरे भाई ने कह दियो की अच्छा बात कही दी ए या चर्चा चल लियोड़ी बताओ बोले अमेरिकन इन्वर्टर से के अच्छा अभी और लोग हैं बाऊ बातचीत देखा कोई है के बाऊ बातचीत करने प्रयास करांगा पीछे और लोग आए बाऊ बातचीत करांगा आपको शुभ नाम के पल तो बता दो मारे दर्शक बलबीर जी थे बताओ दर्शका ने अभी तक मैं देखे गांव में समस्या बहुत बताओ थाने क्या गांव में समस्या है कि झूठ बोलने लोग पानी की समस्या है बिजली की समस्या गलिया की समस्या गली तो दिख रही शिक्षा की स्वास्थ्य की शिक्षा तो बढ़िया हो रही है कितना टावर पड़े सरकारी स्कूल में कोई आइडिया कोई बता सके 300 टावर पड़ा 12वीं तक बहुत बढ़िया बात है 300 पड़ा तो ये स्कूल तो गांव की कमेटी के कारण अब की बार एक बार दर्शक अब की बार थाने के लगा गांव में क्यों माहौल रहे को यो बने मगा में रुकम वोट कौन धरो वोट मेरे पर तारो के विचार करे किने एक बार ठीक काम होया कोनी नहीं बता दो मेरे सरदार सर मैं आपको पहचान जाऊंगा वोट ही सरदार सर लगे अच्छा वोट ही सरदार सर लगे बटे कौन जीतता को सरदार सर में बड़े तो की मेरे क्यों मारा दर्शक बड़ो जुड़ रहे है बता दो शर्मा अच्छा शर्मा जी और लोग है बच्चा है तो आऊ पूछने प्रयास करांगा अगर ये बोलेगा तो थाने के लगा है काम में काम कुमे लाइट लूट किसी का आप पर पढ़ाई करो हां पढ़ाई करता होते कौन सी क्लास में मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में के लगा थाने गांव में लाइट की व्यवस्था किसी का थाने पढ़नो पड़े जते लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है अच्छा थे फर्स्ट ईयर में खड़े जाओ कौन जगह जाओ राजगढ़ थारे गांव में बस की सुविधा है कोनी बस की सुविधा कोनी एक भी बस कोनी सिर्फ ट्रेन जानो पड़े बट ट्रेन को समय आवे वो फिक्स हो बैठे में या फिर आपके कोई प्राइवेट साधन है देखो यो राजगढ़ 10 किलोमीटर दूर गांव है आज भी परिवहन को साधन को नहीं है आजादी का 70 साल हो गया अमृत महोत्सव आप मनान लाग रहा लेकिन गांव की दुर्दशा कतरांगे थे देख को गांव में आन पूछना प्रयास करांगा कोई परिवहन को साधन को नहीं कोई तो तेरी मांग भी कौन करी थी मांग तो करी तो नहीं थी भी और अंडरब्रिज ही बड़े मुश्किल से अच्छी मने पहले कतरा आया करता ऊपर क्या आया करता ऊपर गया हूं इस लाग दे कम से कम महीने का 5-4-15-20 एक्सीडेंट होता अच्छा तो परिवहन के साधन की अभी के मांग करना चाहो थे कि अभी तो समय कौन लागनी चाहिए कम से कम एक बस आना चाहिए सुबह एक शाम अप डाउन होना चाहिए शहर को देख सको गांव की है व्यवस्था किसी का गांव 10 किलोमीटर दूर है परिवहन को साधन को नहीं अगर 12वीं के बाद में बच्चा ने पढ़ना जानो पड़ा तो प्राइवेट व्हीकल आपको लेके जाओ बैंक अलग कोई साधन को नहीं या तो फिर ट्रेन के अंदर जाओ ट्रेन है बस समय थाना पता है कि ट्रेन का अलग अलग समय है और बैठे में स्कूल में बच्चा कई बार पूछ भी कौन पावा परीक्षा पेपर भी कौन दे पावा ऐसी हालात है गाँव में बस को साधन को नहीं है या हालात है गाँव की है और लोग है देखूंगा है को नहीं अठे आप काफी देर होगी चर्चा करता और एक ट्रैक्टर खड़े थ्रेसर कई देर होगी मैंने पूछा प्रयास करांगा थाने के लग है क्योंकि किसान आदमी और किसान आदमी की जरूरी है थाने के लग है नोटा पर गिरा वोट अपन को कहीं ना कौन दिया तो कौन सा ढंगो को नहीं नजर में सारा फैल अच्छा किसाना ही बात करूं बिमो बामो आवे को नहीं आवास में बिमो ई बाय ई बाय कितो ग्रिपड़ आयो एक का है अलग अलग हिम्मत हो सणा का शिक्षण अलग शिक्षण अपन कराएगा तो ए गांव का होती हां ए गांव का विकास कार्य किसा होया विकास कार्य कोनी आया कोनी होया कोई मतलब ढंग का कोनी होया तो केला 15 साल में कदी होड़ा है ए कोनी होड़ा 15 साल सरपंच कराएड़ो कदी ए सरपंच ने आंखें देखो देखियो अच्छा देख सको थे गांव के है वो लोगों की केयर आ रही है मैं थाने दो चौक में आगे दिखाई अभी अंधेरों हो चुके हैं क्योंकि मुख्य रूप से बात करा तो 15-10 लोग अपन बड़े मिल गया और 1500 लोग आ रहे हैं लगभग आधी घंटे की बात चुनावी चर्चा हो चुकी है और चुनावी चर्चा के अंदर निष्कर्ष थाने निकालना है कि गांव में विकास कार्य होया को नहीं होया सरकार खुश हो गए थे ठीक है कृष्णा जी किसो काम कराए बढ़िया करवाए बढ़िया जोर को काम हो रहा है 1000 रुपया वो राशन मिला करे एक अपने गहलोत जी द्वारा वो मिलो गए मिला सर कद मिलो थोड़ा दिन बस ही कान मिल रहे सर कान मिले कौन थाने मिलो कौन आप ताली बात करा दूसरे क्यों बात करा अभी कौन मिले कौन मिलो मिल जाओ बोतल लो और बढ़िया थारे बुढ़ा पिलसन हो गए थे तो खुश हो खुश अब के बार बोटड़ा माहौल केला का है ठीक सर बढ़िया आ यो बुढ़िया ने दिया वोट बुढ़ियो प्रधानमंत्री अपने यो तो सही नहीं जागा वोट और कौन जागा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र जी मोदी हैं अशोक गहलोत जी हैं मुख्यमंत्री क्या आटे के इंदोगा राजगढ़ में है राजगढ़ में तो आ नहीं जागा वोट तो काम करवाए कृष्णा जी इंदोगा कसवा परिवार ने देगा कि इन बस पागा नहीं करोगा ना आना कृष्णा जी क्यों 1000 रुपया पिलशन आ रही अपनी नहीं सामाजिक सुरक्षा पिलशन मंदी है अंग काम उठे खुश हो देखो न्यूज है दुनिया चाहे कमी भुकी जाओ कांग्रेस है ना गरीब आदमी के लिए कांग्रेस है अच्छा और भाई जनता को कुछ भी कर सको करो आज जनता ना हाथों हाथ काम चाहिए आजकल हाँ
और कारण कैसे है कि बूढ़ो आओ और किमे हो जो कांग्रेस को गरीब आदमी को सब किम काम बढ़े इतना कीमत तो महंगवाड़ो हो गयो। अरे भाई बीजेपी तो पूंजी पता ही है कौन के अरे समाज कौन ही कांग्रेस में बूढ़ा आदमी संभालो है। हाँ वही से वही से वही से अच्छा और के लगे अब की बार थाने के लगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आना चाहिए। हाँ यो कोई आओ आठे अपने विधायक कृष्णा जी बने। हाँ मारे आत्मा दिया सर याद किए मेरा तारे आत्मा में आए थाना अच्छा काम लग गया। हाँ बढ़िया दादी बहुत बढ़िया बात मारे बारह को स्कूल बनवा दियो पुल कटवा दियो एक नंबर को काम हो बहुत दुखी पाल था लोग। अच्छा तो अब की बार कृष्णा जी टेको का वोट फिर है। हाँ भ्रष्ट हो रहे कुछ नहीं हुआ कतरा बात कर सको थे भ्रष्ट हो रहा क्यों को नहीं हो कई तो काम हो गयो को तो काम का कंधा हो मेरे नजर में कोई को नहीं हो कोई को नहीं हो लगे कौन क्रास का राम सिंह करवा और कौन करा तो राम सिंह तो 2008 में कमला जी के स्वाज क्या कराये थारे मारे सब किम कराये के कौन कराये वो एक आधो कामड़ो गिना दे मेरे बोला एक कराया था बोला एक कराया हुए काम बोला तो नहीं आपको दिखा दे मैं देख हूं जाके देख की मैं के उनको ऊपर नाम लिख रखे थे बोला हम तो एक तो गिनाओ कम से कम है के गिनाओ ना एक क्यों मनवाई है खेल बोला एक कराया ए न्यू का एक खेल खेल मनाई है एमपी साहब काम करवाए इतनो कने कौन करवाए हम लगे एमपी साहब करायो कने कोनी सारी ईंट एमपी साहब की लगे उड़ी रे मैंने दिखी तो ईंट गड़ी गम में फिर सारी गम जितना खुरा एक बात सुनो राम सिंह जी थे के बड़ी आदमी है तो लेगा लगातार दो बार क्यों आ रहा बे जनता जन का कौन दियो को वोट है काम करावे क्यों कौन दियो काम ने कोई वोट कौन दे रे। अच्छा काम ने कौन वोट दे है अब की बार के लगे कौन जीतता है फिर राम सिंह जीतता और कौन तो टिकट टिकट अब की बार टिकट के अगर कोनी मिले टिकट तो टिकट तो 6-7 दावेदार हो रहे हैं दावेदार 18 हो जाए जी के हो जाए मैं भी हो जाऊं दावेदार श्याम सुंदर का अग्रवास का मैं लेके आऊंगा श्याम सुंदर ने कौन टिकट देखो राम सिंह एमपी साहब ले आओ राम सिंह साहब ले आओ। हां तो कमला जी लड़ेगी वापस तो कमला लड़ेगी लड़ेगी। अच्छा तो तने कन्फर्म पता है पक्को कन्फर्म अब की बार गामू आगे कन काटोगा कमला लकड़ेगी और कौन लकड़ेगा और तो न्यू के बस पर लकड़ेगी और तो बेन के कह दी लेकिन मैं श्योर एंड सर्टेन कहता हूं। अच्छा हां ते के काम करया करो मैं काम के करू मैं नेता कान का टूर के काम करू ऐसे ए, ए, ए मेरी बात सुनो ए मेरी बात सुनो थे जब ए फसल बीमे की बात आवे किसान की बात आवे किसान सड़क आंग ऊपर बैठ जा राजगढ़ में बैठा नेता मुंह दही जम जाए इज्जत कट जाओ थे ओए दही कौन जमा नेता कौन बोलयो ए किसान आज कै महीना हो गया कलेक्टर ईशा में पड़े और कै महीना हो गया मजी पड़े तो संघर्ष करनी है भाई भी करेंगे वो भी लेगो वोट तो सुन क्यों बोल रहे हैं किसान का हक में बोल रहे हैं अब तारला सांसद साहब सुन क्यों बोल रहे हैं कन्ने के बरो सांसद दिल्ली में कृषि मंत्री से काम करवा मुआवजा दिवाओ है मुआवजा दिवाओ है तो 2021 वाला दिवाए को कोनी आज तक दिवा दे वो ना दिवाए तो देनो पड़ेगा सरकार कब दिवा देगा फिर अरे दे रखी लिस्ट आ जाएगी हाथ में ही है आ जाएगी लिस्ट हाथ में चिंता ना करें तो चिंता ना चलो सीसीटीवी रोड बनवा दिया एमपी साहब ने खड़े हूं कांदरान से कालरी तक सीसी रोड बनवा दिया सीसी रोड पंचायत अब खेल खेल बना रखी है कांदरान से जटवा तक रोड बनवा दिया ऐसे तो बहुत जा सिंगल आदमी रोटी लेके नहीं निकल सकता साधन तो कहाँ से निकलेगा वो हमारी पंचायत है वो रास्ता एक और वीडियो के साथ में जल्दी आप मिलेंगे थाने जब तक के लिए नमस्कार कैमरा पर्सन सुभाष के साथ मैं जतन सिंह चूरू झलक कांदरान।